लालसा का शिक्षण दिया आपने उसे, और स्वयं भी उसी मोह के कारण वास्तव में आप गुरु तो कभी बन ही नहीं पाए, केवल शिक्षक बनकर रह गए आप। ऐसा क्यों कह रहे हैं वासुदेव? मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन में अपने सारे शिष्यों को संपूर्ण निष्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया है। गुरु वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता। इसीलिए गुरु को अपने शिष्यों से दक्षिणा की आशा होती है, मूल्य की नहीं। किंतु आपने अपने अमूल्य ज्ञान का मूल्य निश्चित कर दिया। अपने ज्ञान के बदले में अपने शिष्यों से प्रतिशोध मांगकर आपने न केवल अपने जीवन में विष घोल दिया, अपितु अपने शिष्यों के जीवन में भी विष घोल दिया। और ये सब आपके मोह और अहंकार के कारण हुआ। आप गुरु नहीं है द्रोणाचार्य। इस व्यक्ति के हृदय में अहंकार, मन में मोह तथा लालसा होती, उसके हाथों धर्म का कार्य तो हो ही नहीं सकता। इसलिए महर्षि भरद्वाज के पुत्र जैसे बाढ़ में डूबता हुआ व्यक्ति किसी वृक्ष को पकड़कर स्वयं की रक्षा करता है, वैसे ही इस अंत समय में धर्म को पकड़ लीजिए। आज समय है उचित निर्णय लेने का, मोह का त्याग कीजिए। मैं इसी क्षण आपके प्राण ले सकता हूँ, किंतु मेरी इच्छा कि आप जीवन में एक उचित निर्णय स्वयं ले। यथार्थ कह रहे हैं आप। मेरा ही दोष था कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा को दंड प्राप्त हुआ। अब समय आ गया है मुझे भी दंड प्राप्त हो।